दोस्तों, क्या हमने सच में पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान सही बोल रहा है कि हमने उसके पेड़ जला दिए? हमने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की भी कि नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब ये सब झूठ है और हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो भारत सरकार हमें इसके अब तक सबूत दे देती। रुकिए, मैं इस पर कुछ सवाल नहीं उठा रहा, कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं ममता बनर्जी, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, जबकि हमारी आर्मी एयरफोर्स साफ साफ कह चुकी है कि हमने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है और तकरीबन 200 जो हमने आतंकवादियों को मारा है। लेकिन इन जो हमारे जो राजनेता हैं, इनको आर्मी पर विश्वास क्यों नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको इस बात को समझना है कि ये सब राजनीतिज्ञ इन सब चीज़ों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक मुख्य रूप से एक बात को समझना पड़ेगा, वो है हमारा राष्ट्रीयवाद। क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो एक तरह से टेंशन क्रिएट हुई, इस चीज़ का सीधा सीधा लाभ नरेंद्र मोदी को हुआ है। और वो किस तरह से हुआ है, इस बात को समझने की जरा कोशिश करें। नंबर 1 तो ये कि हमारा जो भारतीय समाज है, वो एक तरह से एक संतरे की तरह है, जो ऊपर से देखने में एक लगता है, लेकिन अंदर से वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। हम धर्म के नाम पर बटे हैं, हम जाति के नाम पर बटे हैं, हम क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, हम भाषा के नाम पर बटे हैं। इस तरह के बहुत सारे सेक्शन हैं जिनके रूप में हम अलग अलग बटे हुए हैं। अगर आप इस बात को ग्राउंड पर जाकर समझेंगे, तो हमारा जो देश है उसमें जाति और रिलीजन राजनीति में अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें आपको अगर आपको लगता है कि विकास का एजेंडा है, तो हाँ, एक वो एक विकास नाम की चीज, एक फैक्टर जरूर है राजनीति के अंदर, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है। देखिए, 2014 से अब तक जो एक तरह की मूवमेंट चल रही है हमारे देश में, वो है एक तरह की राष्ट्रवाद की वेव चल रही है। लेकिन लोग राष्ट्रवाद को क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता। इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिबेट वैसे हो सकती है एकेडमिकली, लेकिन प्रैक्टिकली राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो हम सभी को एक हमारी जाति, मजहब, क्षेत्र, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जोड़ती है। जब हम कहते हैं कि वी आर इंडियन, तो जो हमारे जो एक सेंटर के इशू हैं, जो हमारे एक नेशनल इशू हैं, जो हमारे इंटरनेशनल इशू हैं इंडिया के, हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक पार्टियों को वोट करते हैं। उसमें हमारी जो जात, कास्ट, ये जो अदर सेक्टर है, वो सेकेंडरी हो जाते हैं। तो अगर हम सभी लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना आएगी, एक नेशन की भावना आएगी, तो हम सेंटर के इशू पर वोट करेंगे, केंद्र के इशू, यानी कि जिसमें हम देखेंगे कि केंद्र के अंदर हमारे देश के लिए भला क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है, हम उन सब मुद्दों पर वोट करेंगे। लेकिन ये अगर हम ऐसा हमारे देश में हुआ तो किन पार्टियों को नुकसान होगा? ओबियसली मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ, जैसे कि मायावती, अखिलेश, केजरीवाल। चलो, केजरीवाल को आप एक बार छोड़ भी सकते हैं, बट लेकिन जो अदर जो पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हम लोग जाति के नाम पर वोट ना करें। सोच के देखिए, अगर जाति के नाम पर वोट ना हो तो क्या मायावती सीएम बन सकती है? क्या अखिलेश सीएम बन सकता है? इसी तरह की तमाम बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं जिन लोगों को सीधा सीधा इस राष्ट्रवाद से खतरा है, और यहाँ तक कि इनडायरेक्टली कांग्रेस को भी इस चीज़ से एक खतरा दिखाई दे रहा है। और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, उनको तो बिल्कुल साफ साफ इस राष्ट्रवाद से खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन सबको पता है कि एक जो राष्ट्रवाद की फीलिंग्स अगर हमारे भारत में के लोगों में अगर आई, तो लोग सेंटर के इशू पर वोट करेंगे, जो हमारी जाति, जो जात के नाम पर जो वोट करते हैं, वो लोग वहाँ पे वोट करना छोड़ देंगे। तो इन सब चीज़ों का नुकसान मायावती जैसी पार्टी को बिल्कुल सीधा सीधा होने वाला है। ममता बनर्जी जैसी जो एक रीजनल पार्टी है, इनको सीधा सीधा इस चीज़ से नुकसान है। तो ये जो पूरी पूरा एक प्रोसेस शुरू हुआ था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन क्रिएट होने के बाद, सभी हम सब लोगों में एक भावना आई थी कि वी आर इंडियन, हम सब एक हैं, एकता के जो भाव आया, यानी कि जो एक नेशनलिटी का भाव आया, तो इन सब चीज़ों ने हम लोगों को एक जात व्यवस्था से ऊपर उठा करके हम सबको जोड़ दिया। इस सब चीज़ों से नुकसान हुआ क्षेत्रीय पार्टियों का, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए एक विनिंग पॉइंट है, क्योंकि वो किसी एक खास जात व्यवस्था पर राजनीति नहीं करती। और अगर जो ये छोटी छोटी पार्टी हैं, अगर इन जो ये जो जाति के नाम पर राजनीति करती है, अगर वोट इनसे छिटक गया, तो ये किसके पाले में जाएगा? या तो कांग्रेस के पाले में जाएगा, या फिर बीजेपी के पाले में जाएगा। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अभी उतनी स्ट्रोंग नहीं है, इसीलिए ये बीजेपी के पास जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये सब जो ये जो पूरा सिस्टम बनाया है सर्जिकल स्ट्राइक को लेने के बाद, क्योंकि हमारे देश में एक तरह से नेशनलिस्ट भावना, जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई है, तो इस चीज़ को तोड़ने का अब एक ही रास्ता है कि या तो हम सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा प्रूव करते कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, तो जो लोगों को लगेगा कि अरे हमें तो बेवकूफ़ बना दिया गया, जो एक जो प्रक्रिया थी राष्ट्रवाद के आगे चलने की, वो पीछे की तरफ उल्टी चली जाएगी। तो
तो ये सब लोग इस चीज की कोशिश में लगे हैं कि इस सब चीजों को, सर्जिकल स्ट्राइक को या फिर इन चीजों को प्रूव करके हम उल्टा उल्टा किस उल्टा कैसे कर सकते हैं। तो अब इसके लिए केवल इनके पास एक ही रास्ता है कि सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा प्रूव करो। और इनको पता है कि ये झूठा बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक जो सेक्टर है सोसाइटी का, 2% या फिर 1% या फिर 3%, उन लोगों तक तो ये सवालों को खड़ा करके उन लोगों का तो दिग्भ्रमित कर ही सकते हैं। तो जो ये कोशिश कर रहे हैं, इनके ये नहीं कि इन्हें नहीं पता सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इनको पता है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन इसको ये एक तरह से सवाल खड़ा करके जो एक छोटा सा तबका है हमारी सोसाइटी का, उस तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो बीजेपी है या फिर जो हमारी एक जो नेशनल पार्टी है वो एक तरह झूठ बोल रही है, जिसका कि एक तरह आर्मी पे एक तरह सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन अगर आपको ये वाकई में पता करना है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई, देखिए तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने एक बात कही थी कि हमारे तो केवल पेड़ जला दिए गए। भाई साहब, अगर आपके केवल पेड़ ही जलाए गए हैं तो आप उस क्षेत्र में किसी अपने ही मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? बीबीसी ने जाने के लिए वहां पे एक बार जाने की कोशिश की, लेकिन आपने वहां पे नहीं जाने दिया। ठीक है, मान लिया बीबीसी एक बाहर का मीडिया है, लेकिन आपने अपने देश के मीडिया को ही नहीं जाने दिया। क्यों? आज तकरीबन 10 या 11 दिन हो गए उस चीज को लेकर के। यार अपनी मीडिया को दिखाओ तो सही, जो जाके वहां पे मीडिया आपका उस चीज को कवर करे कि देखिए पेड़ जलाए गए हैं। केवल नहीं, केवल जो आर्मी ने वो कुछ फोटो जारी किए हैं कि देखिए हमारे पेड़ जल गए। तो आप पाकिस्तान अपनी मीडिया को वहां जाने से रोक रहा है किस लिए? क्योंकि उनको, अगर वो वहां पे उनकी पाकिस्तानी मीडिया गई और उन्होंने वहां की स्थिति देखी कि नहीं यहाँ पे कुछ कैंप लगे थे जनके ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ है, कुछ दीवारें टूटी मिलेंगी, कुछ यानी कि एक जो रेजिडेंट एरिया जिसे हम कहते हैं, जो कि आतंकियों ने वहां पे बनाया हुआ था, उसके ऊपर इस टाइप लोगों को देखेगी, तो जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं उस सच को बाहर ना निकाल दे, इसलिए उस मीडिया को रोका जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक जो इंडिया ने स्ट्राइक किया है उस चीज को दबाने की कोशिश है? अरे पाकिस्तान ने तो पहले भी जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तब भी उसने कहा था कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। तो देखिए अब हाँ, हमारे जो जो ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल साहब, इन सब लोगों ने तब भी सबूत मांगे थे, लेकिन जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सबूत या वो वाली जो वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक की जो बनाई थी वो उन्होंने जारी कर दी, तो सबके मुंह पे चुप्पी लग गई। क्यों, क्या हुआ था? और हाँ, तब ये बोलने लग गए कि ये वीडियो जारी करके अपना सेना का जो काम था उसके वाहवाही बटोरना चाहते हैं। क्यों भाई, आप उस टाइम भी सवाल खड़ा कर रहे थे जब आपको सबूत दे दिया गया, तो आपने कहा कि नहीं आप तो सेना के काम पे वाहवाही बटोर रहे हैं। इस बार भी अगर सरकार ने सबूत दे दिए तो ये तब भी कहेंगे कि नहीं आप सेना की वाहवाही को अपने नाम पे लूट रहे हैं। तो क्या आपको अभी सेना पे यकीन नहीं, जब आपको सेना कह रही है कि नहीं हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो मेन एजेंडा है वो है राष्ट्रवाद को पीछे की तरफ धकेलना। क्योंकि अगर हमारे देश को कोई एक बिंदु में अगर कोई इकट्ठा कर सकता है तो वह है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना को अगर लोगों में बीजेपी पहुंचाने में सक्षम हो गई, देखिए मैं इसको बीजेपी पहुंचाने में सक्षम, एक गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, बीजेपी नहीं पहुंचाएगी, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, या फिर कांग्रेस भी नहीं पहुंचाएगी, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे धीरे धीरे हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की भावना पैदा होती है, और हम जब वो फीलिंग आएगी तो हम सेंटर के इशू को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। तो ऐसे में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, इनका बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना आए। तो इसीलिए ये सब एक एजेंडे के तहत चला जा रहा है, जो पूरी पूरा एक जो लेफ्ट विंग है वो पूरी कोशिश में लगा है कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आए ही ना। क्योंकि जब तक सोसाइटी बटी रहेगी, हमारा देश बटा रहेगा, बांटो एंड राज करो और मजे लो, जो छोटी छोटी पार्टियां उनके लिए ये उसी में मजा है, उसी में फायदा है। क्योंकि अगर सेंटर में कोई एक स्ट्रोंग पावर आई तो जो छोटे छोटे लेवल पे देशों को खाने का जो काम चल रहा है वो सब रुक जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सेंटर पे एक केवल बीजेपी ही स्ट्रोंग एक पार्टी है या फिर वो इसको सेंटर में केंद्र में नियंत्रित कर सकती है, कांग्रेस भी कर सकती है, लेकिन एक स्ट्रोंग पार्टी होनी चाहिए जो एक केंद्र के लेवल पर स्ट्रोंग हो, ये नहीं कि जो एक बिखरी पार्टी है। अभी ये बिल्कुल बात सही है कि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है। अगर राष्ट्रवाद आया, या तो कांग्रेस स्ट्रांग होगी या फिर बीजेपी स्ट्रांग होगी, और इन दोनों ही स्थितियों में जो रीजनल पार्टियां हैं उनका बिल्कुल पत्ता साफ है। इसलिए जितना विरोध रीजनल पार्टियां कर रही हैं या फिर जो लेफ्ट की पार्टियां कर रही हैं, शायद कांग्रेस उतना विरोध नहीं कर रही। कांग्रेस कर रही है क्योंकि उनको बीजेपी को हराना है। खैर आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसके पीछे क्या राजनीति है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, उसको जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि लोग इस एक गंदी राजनीति को एक तरह से समझ सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।